हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर चैनल। और मैं बात कर रहा हूँ एक और धमाकेदार एक्शन फिल्म की। आज मेरे साथ मौजूद हैं उस एक्शन फिल्म के लीड एक्टर जोगेश जी। सर, फिल्म के बारे में कुछ बताइए। ये फिल्म दिल्ली से है और इसका नाम है नारायण। नारायण एक पिता का कैरेक्टर है जो कि उनका नाम नारायण है, और एक आम मिडिल क्लास फैमिली से ये नारायण आते हैं और हर बाप की तरह अपने बच्चों के लिए वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं कि वो बच्चों को अपने से ऊपर ज़िंदगी में, जो वो खुद नहीं कर पाए हैं कुछ, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वो सब कुछ अचीव करें। और उसी चीज़ के लिए ही ये फिल्म पूरा बेस किया गया है, और किस तरीके से बच्चे कुछ बाहर के दुनिया से इन्फ्लुएंस होकर किस तरह से अपने रास्ते से भटक जाते हैं, और उस भटकने के बाद किस तरीके से माँ बाप उन्हें उस सिचुएशन से दोबारा वापस लाते हैं किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में जाने के बाद, यही इस फिल्म की कहानी है। सोशल मैसेज क्या देगी? सोशल मैसेज यही है कि जो भी बच्चे हैं उन लोगों को, उनके सबसे बड़े हीरो जो हैं लाइफ में वो उनके अपने माँ बाप हैं, और दुनिया की बजाय अगर वो सिर्फ अपने माँ बाप की बात करें, उनकी उनकी बात सुने, तो वो एक तो आपका कभी भी मार्गदर्शन गलत नहीं करेंगे, वो आपका मार्गदर्शन बिल्कुल सही करेंगे। आप किसी भी सिचुएशन में हो, जब असमंजस में हो किसी भी तरह के, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस टाइम से मेरे हिसाब से जो हमारे साथ हमारे माता पिता हैं उनका एक्सपीरियंस लाइफ को लेकर इतना है कि वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे। आप वो करिए, क्योंकि बाहर जो इंस्पिरेशन आप ढूंढते हैं या मोटिवेशन आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो आपकी सब चीज़ें आपके सामने हैं। डू दैट, एंड उसके बाद अगर बाई चांस ज़िंदगी में कोई गलती हो भी गई है तो आए कन्फेस करें, तो मुझे लगता है कि आपके पिता आपके सामने इतने बड़ी आपके सुपर हीरो हैं कि वो आपकी हर मदद से आपको निकाल लेंगे। जी सर, आप इस मूवी में लीड एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो उसके लिए आपका क्या एक्सपीरियंस क्या रहा? देखिए, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। थोड़ा सा शुरू में चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो लोगों का विश्वास जीतना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। पर जैसे जैसे हम उसको चीज़ को आगे पार करते रहे, तो उसके बाद चीज़ें आसान होगी, क्योंकि टीम ने काम करना शुरू किया, डायरेक्शंस पे काम करना शुरू किया, अपने अपनी जगह पे हर एक बंदे ने अपना जब काम छोड़ना शुरू किया, तो चीज़ें अपने आप रोमांचक भी होने लग गई और ठीक भी होने लग गई। अगर मैं बात करूँ मूवी की तैयारी के बारे में, तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, तो आपने क्या खास तैयारी? खास यार नहीं, देखिए मेरा बैकग्राउंड तो था ही कि मैं आज से 20 साल पहले जब मैं ग्रैसिम वगैरह में था, तो बैकग्राउंड के अंदर मेरे साथ एक फिटनेस तो था, लेकिन इस सिचुएशन में आके ऑलरेडी मैं 125 तक हो गया था, क्योंकि 15-20 साल का गैप हो गया था। तो लेकिन स्किल थी कि कैसे करना है, तो वो चीज़ रही, और फिर प्रॉपर गाइडेंस मिला हमें, तो पुराने जो जितने दोस्त थे, जो पुराने दोस्तों ने हमेशा हमने इकट्ठे काम किया है, जब उन दोस्तों ने दोबारा मुलाकात हुई तो उन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया। कुछ मेडिकल में भी दोस्त हैं जो मेडिसिन में हैं, उन लोगों की गाइडेंस मिली, तो इस चीज़ को आराम से करते करते हमने अचीव कर लिया। तो कोई ज़्यादा मुश्किल ही रहा, बात यह है कि रास्ता सही मिला, गाइडेंस अच्छी मिली। अगर आपको गाइडेंस अच्छी मिल जाए, सपोर्ट अच्छी मिले, तो सब काम आसानी से हो जाते हैं।